इतिहास तो दुनिया पढ़ती है साहब, आप जीवन पढ़िए तो माने। मैं हमेशा सबसे कहता हूं अपने पास हथियार रखो, पिस्टल रखो, और जैसे ही कोई रिश्तेदार कोई पड़ोसी आपके घर पे आए तुरंत पोजीशन ले लिए, मारे वाइट दाएं दाएं। इससे आपका आत्मबल बढ़ेगा। आत्मबल बढ़ाओ, क्योंकि इतिहास का एक नियम है, राजा बनाने के लिए लोगों को कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, और यह राजा बनने की सबसे बड़ी क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ किंग। जिस दिन आप ये करना सीखे ना साहब, आप राजा बन जाएंगे। अपना आत्मबल बढ़ाओ और दुनिया के विपरीत चलो। अपने शादी में तो दुनिया दूल्हा बनती है साहब, मजा तो तब है जब आपके दोस्त की शादी हो, आपके पड़ोसी की शादी हो, और आप घोड़ी पे बैठ के और दूल्हा बने तैयार हैं। पड़ोसी आपके दोस्त आपको भगा रहे, भग तुरी मैया के, हमारा शादी है, हमारा शादी है, लेकिन आप ऐसे बैठ के घोड़ी पे और मुस्कुरा रहे हैं, और वही मुस्कुराते मुस्कुराते पिस्टल निकाले और मारे वहीं धाएं धाएं। क्वालिटी ऑफ किंग। सर आपका दोस्त वैलेंटाइन डे मनाने गया है पार्क में, और आप सिंगल हैं, सफेद कुर्ता पजामा चढ़ाइए, लाल रंग के गमछे से मुंह बांधिए, और पार्क में जाकर दोस्त को मारिए लाठी लाठी, और बोल दीजिए बजरंग दल वालों ने पीटा है। जिस दिन आप ये करना सीख गए ना सर, आप बन जाएंगे राजा। विश्वास मानिए, आप बन जाएंगे राजा। आप कर तो दुनिया कर रही है, आप कांड करिए तो माने। राजा बनने का 1,97,72,00,000 72,24,379 नियम। सर झुकना नहीं है किसी के आगे। इस दुनिया में जितने भी झुकने वाली पर्सनालिटी हैं, डेनी डेनियल्स, मिया खलीफा, लाना रोड्स, आप देखिए कि इनको झुक के क्या मिला है, कुछ नहीं मिला। सर झुकना नहीं है, और सपने बड़े बड़े देखने हैं, और सपने बड़े देखने के लिए आपको क्या करना होगा सर? सपने बड़े देखने के लिए आपको नींद बड़ी लेनी होगी। दिन का 18-18, 19-19 घंटे सोना पड़ेगा। नींद नहीं आ रही है, गाजा मार के सो जाओ। आपका बाप आ रहा है, आपको बेल्टे बेल्टे मार रहा है, बोल रहा उठ तोरी मैया के, उठ तोरी मैया के, लेकिन आप टस से मस नहीं हो रहे साहब। क्वालिटी ऑफ किंग। आप टस से मस नहीं हो रहे हैं क्योंकि आप गाजा मार के और राजा की तरफ सो रहे हैं। ये होती है सर, जिस दिन आप ये करना सीख गए ना, आप बन जाएंगे। यस, किसी के आगे झुकना नहीं है, सपने बड़े देखने हैं, और मुस्कुराना नहीं छोड़ना है। पड़ोस में कोई मरा हुआ है, आप वहां चले गए, सब लोग आ रहे हैं, और आप वहां हाथ पे हाथ चढ़ाए ऐसे मुस्कुरा रहे हैं। पड़ोसी आपको मारने के लिए आ रहे हैं, तुरंत पोजीशन ले लिए, निकाले पिस्टल, मारे भाई धाए धाए धाए, एक के साथ 10 क्लाउ लटा दिए। जिस दिन आप ये करना सीख गए साहब, हारा वही है जो लड़ा नहीं है। अगर आपको जीतना है तो लड़ना तो पड़ेगा साहब। अगर कोई लड़ने के लिए नहीं मिला तो पड़ोसियों से लड़ जाओ, पड़ोसियों का खेत बारी कब्जा कर दिए, और अगर कोई पड़ोसी कुछ कहने के लिए आ रहा है तो निकाले पिस्टल, मारे वही हवा में धाए धाए धाए। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पावर, शक्ति का प्रदर्शन, ये राजा बनने की सबसे बड़ी क्वालिटी है। आप राह चल रहे हैं, राह चलते आपको कोई हिरन दिख गया, निकाले पिस्टल, मारे वही धाए धाए धाए। शिकार, हंटिंग इज क्वालिटी ऑफ किंग। शिकार करना राजा की सबसे बड़ी क्वालिटी है साहब। सड़कों पे तो दुनिया गाड़ी चलाती है, आप फुटपाथ पे चलाओ तो माने। न जाने कितने विवेक, न जाने कितने अभिषेक के करियर को गाजर मूली की तरफ चबाते हैं और राजा की तरफ मुस्कुराते हैं। ये राजा बनने की क्वालिटी है। अब मान लीजिए आपके घर कोई इमरजेंसी आ गई, घर पे किसी का देहांत हो गया, सभी घर वाले बाहर हैं, आप घर पे अकेले हैं। अब टेलीफोन से तो दुनिया संदेश देती है साहब, आप कबूतर पकड़ के लाइए और कबूतर से संदेशा भिजवाइए। राजा की क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ किंग। जिम चले जाओ साहब, अब एक्सरसाइज करने के लिए तो दुनिया जिम जाती है साहब। आप जिम के वॉशरूम चले जाओ, वॉशरूम जाकर डब डब कर दिए। ट्रेनर पूछ रहा है कि टाइल्स पे शैंपू किसने गिरा दिया, टाइल्स पे शैंपू किसने गिरा दिया, और आप वहीं एक कोने में हाथ पे हाथ चढ़ाए मुस्कुरा रहे हैं। राजा की क्वालिटी। जिस दिन आप ये करना सीख गए ना साहब, विश्वास मानिए आपको राजा बनने से कोई नहीं रोका। पहली बार मैंने थिएटर में गोली चलाई थी साहब, अपने दोस्त को पिक्चर दिखाने ले गया था। अब साहब को सूखे सूखे पिक्चर देख के मजा नहीं आ रहा था। साहब का गाना था पॉपकॉर्न खिला दो, पॉपकॉर्न खिला दो, कोल्ड ड्रिंक खिला दो। ईगो हट गया साहब, निकाले पिस्टल, मारे भाई धाए धाए धाए। 300 राउंड गोलियां चली थी, थिएटर वाला खोखा बेच बेच के करोड़पति बन गया। ये होती है साहब, ये राजा बनने की क्वालिटी है। यही छोटी छोटी चीजें, दोस्तों में गोलियां चला दिए, थिएटर में गोलियां चला दिए,
यही सब चीजें इंसान को राजा बनाती हैं। अच्छा, अब राजा बनने के लिए एक और क्वालिटी है, अब चाहे आप पे कितना भी अपार दुख क्यों ना जाए, संकट क्यों ना जाए, आपको मुस्कुराना नहीं छोड़ना है। डेनी डेनियल्स, मियां खलीफा, लाना रोड्स, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, इनके सामने समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सख्त से सख्त खड़े ही क्यों ना हो, ये मुस्कुरा के निकल जाते हैं साहब। ये होती है साहब पावर, ये मुस्कुराने वाली जो आदत है ना साहब, ये इंसान को राजा बनाती है। जॉनी सिंह महान व्यक्ति थे। अब जॉनी भैया क्या, समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, समस्या कितनी भी जटिल क्यों ना हो, वही पटक के चोट देते हैं। ये होता है साहब पावर, ये राजा बनाने की क्वालिटी है। अगर आपको राजा बनना है तो मुस्कुराना सीखना पड़ेगा और डेयरिंग बनना पड़ेगा। अब डेयरिंग कैसे बने साहब, गर्लफ्रेंड को ओयो लेके जाइए और बाप से पैसे मांग लीजिए, ये होता है साहब डेयरिंग का। दारू पीने जाइए कि ये पापा पैसे दीजिए दारू पीने जाना है, ये डेयरिंग काम है। यही छोटी छोटी चीजें इंसान को राजा बनाएंगी। विश्वास मानिए साहब, इतना डेयरिंग बन गए ना जिस दिन राजा बन। पढ़ाई क्या है, पढ़ाई तो दुनिया करती है साहब, राजा कभी पढ़ाई नहीं करता है। अगर आपको राजा बनना है तो आप चुनाव लड़िए, और चुनाव जीतने के लिए तो दुनिया लड़ती है साहब, आप चुनाव हारने के लिए लड़िए। हेड बारी भेज दिए, चुनाव लड़िए और चुनाव हार गए आप। सामने वाला व्यक्ति चुनाव जीत के मुस्कुरा रहा है और आप चुनाव हार के मुस्कुरा रहे हैं। ये होती है पावर साहब, ये होती है पावर, ये राजा बनने की मेंटालिटी है साहब। आप गर्लफ्रेंड बना लीजिए, अब बॉयफ्रेंड के पैसे पर तो दुनिया भर की गर्लफ्रेंड ऐश करती है। आप गर्लफ्रेंड के पैसे पैस करिए तो माने, आप गर्लफ्रेंड के पैसे पर बैठकर रेस्टोरेंट में चार चाउमीन बर्गर गुपचुप खा रहे हैं और बेहाया की तरह मुस्कुरा रहे हैं, ये होता है सर। साहब इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप विषम परिस्थिति में मुस्कुराना सीखिए, दुनिया के विपरीत चलना सीखिए। हारने के बाद तो दुनिया गांड सीखती है, आप गांड धोकर तब भागने जाइए। और वैसे ही पैंट में लभेर के बाहर निकलिए, घर वाले आपको भगा रहे हैं भाग तो नहीं मैया के, और आप मुस्कुरा रहे हैं निर्लज की तरह। ये होता है विषम परिस्थिति में मुस्कुराना। अब जैसे आपको राजा बनना है लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, आपके पास पुश्तैनी जमीन नहीं है, लेकिन सर आपके पास दोस्त तो है। दोस्त किस लिए, दोस्त का जमीन कब्जा कर लीजिए, उससे पैसे उधार मांग लीजिए, और जब दोस्त आपसे पैसे अपने वापस मांगने आए तो निकाले पिस्टल मारे वही हवा में धाए धाए धाए, दोस्ती फट के चाल जाएगी साहब। ये राजा बनने की मेंटालिटी, यही छोटी छोटी चीजें इंसान को राजा बनाती है।